লোকসভা ভোটের আগে সংসদের শেষ অধিবেশন, বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও রাজ্যসভায় ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খার্গে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ব্ল্যাক পেপার প্রকাশ করেন। এদিকে রাজ্যসভার অন্তরে মোদীর মুখে শোনা গিয়েছে ইউপিএ জামানার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রশংসা। এর পাশাপাশি সংসদের ফেয়ারওয়েলও জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যসভার অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে শোনা গেল তার পূর্বসূরি মনমোহন সিংয়ের প্রশংসা। সাংসদ এবং মন্ত্রী হিসেবে ভারতীয় গণতন্ত্রে মনমোহনের অবদানের কথা এদিন স্মরণ করেছেন মোদী। মনমোহন সিং সকল সাংসদদের অনুপ্রাণিত করতেন বলেও জানিয়েছেন মোদী। এর পাশাপাশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিনিয়ত উনি আমাদের মার্গদর্শন করে যাক, আমাদেরকে প্রেরণা দিয়ে যাক। বিশেষ রূপে মাননীয় ডক্টর মনমোহন সিংজি কা স্মরণ করনা চাহুঙ্গা। 6 বার ইস সদন মে ও আপনে মূল্যবান বিচারো সে আর নেতা কে রূপ মে ভি আর প্রতিপক্ষ মে ভি নেতা কে রূপ মে উনকা বহুত বড়া যোগদান রহা হ্যায়। বৈচারিক মতভেদ कभी बहस में छिटा कसी वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल यह नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें। প্রশংসার পাশাপাশি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি মোদী। কালো রঙের পোশাক পরে সংসদে বিরোধীরা ফ্যাশন শো করতে আসেন বলে কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। আর ভি এসি কুছ ঘটনা হুই, কবি কবি ফ্যাশন প্যারেড কা ভি হমনে দৃশ্য দেখা, কালে কপড়ো মে সদন কো ফ্যাশন শো কা ভি লাভ মিলা,
तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एकाध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नज़र लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर ई न्यूज़।